अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार चटपटी आलू गोभी की सब्ज़ी, या ढाबा स्टाइल कह ले मसालेदार सब्ज़ी, तो जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो ये मैंने 250 ग्राम फूल गोभी ले ली थी, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरह से जो पतली पतली स्टिक्स होती है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने, देखिए इस तरह से। उसके बाद एक आलू भी लिया था मैंने, एक आलू को मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप्ड करके डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस ये 2 मिनट या 1 मिनट में ये थोड़ा लूज सी हो जाए तो बस इसमें हम गोभी डाल देंगे। इसे प्याज में अच्छी तरह से मिक्स करके 8 से 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। तो इस तरह से प्याज भी अच्छी तरह से लाल हो जाएंगी और गोभी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 2 मिनट चलाते हुए खुला ही भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो 1 मिनट चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनने देंगे तेल में मसाले को। अब हम इसमें कटे हुए आलू भी डाल देंगे और इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर भी बारीक काट कर डाल देंगे। इसके बाद एक मुट्ठी हरे मटर की डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो आधा कप पानी डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए मैं कवर करके हाई फ्लेम पर पकने दूंगी। उसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और सब्ज़ी अच्छी तरह से बन जाए। तो देखिए 10 मिनट के बाद मैंने कवर ओपन कर लिया है। तो आलू चेक कर लेते हैं, आलू सॉफ्ट हो चुका है और सब्ज़ी तो बहुत मज़ेदार दिख रही है, इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। अब मैं इसमें एक हरी मिर्च को बीच से कट लगा के डाल दूंगी। हरी मिर्च थोड़ी तेज़ वाली है, आपके पास फीकी हो तो आप 3-4 हरी मिर्चियाँ डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि बहुत चटपटा टेस्ट आएगा। और एक मुट्ठी हरा धनिया को भी बारीक काट कर डाल दिया है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो तैयार है मज़ेदार सब्ज़ी जो कि रोटी और पूरियों के साथ बहुत मज़े की लगेंगी। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।